गुड मॉर्निंग, 29 जून, आपका स्वागत है। विवेक गुप्ता, और फर्ज कोशिश हमेशा रहती है मैं आपको एक अलग अलग जानकारी दूं। तो आज की जानकारी की किस तरीके से पिछले 3-4 साल में NRI सीट्स की और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड भाषा में गेम बदल गई है, और डिस्काउंट्स क्यों दिए जाते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखिए, सबसे पहले ये है कि NRI सीट डाली गई थी ताकि वही जो NRI स्टूडेंट्स हैं वो आ सके, स्पॉन्सर्ड आ सके, और सबसे बड़ी बात है डॉलर आ सके इंडिया में, राइट। बेसिकली एडिशनल फीस, ये लॉजिक हुआ। किसी किसी कॉलेज में है, किसी में नहीं है। कुछ सरकारी कॉलेजों ने भी लॉन्च करी, जैसे राजस्थान के, हिमाचल के, पंजाब के, ताकि उनको एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिले। ये बेसिक लॉजिक होता है NRI सीट का। और जैसे कि हम जानते हैं कि 2021 तक तो ये रूल था कि NRI सीट थर्ड राउंड के बाद तक भी सुरक्षित रहती थी, और चौथे राउंड में जब कॉलेज में वो सीट, कॉलेज राउंड होता था, तो वो सीट नॉर्मल सीट करके दी जाती थी, मतलब कि बिना NRI के पेपर्स के। बट जितने भी स्पेशली ये जो MCC वाले काउंसलिंग के कॉलेजेस हैं, वो पहले से ही बात करके रखते थे टॉप क्लास कॉलेज के अलावा, और वो आपसे प्रैक्टिकली अपनी NRI की फीस रुपीज़ में ले लेते थे। ये 2021 तक चल रहा था। 2022 में पहला रूल चेंज हुआ कि हम राउंड 3 में ही NRI सीट को नॉर्मल सीट में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये लोग फंस गए। देखिए, अब कॉलेजों की तरफ से सोचिए, कॉलेज की अगर नॉर्मल फीस, अगर मैं MP की एग्जांपल लूँ तो 15 लाख है, और NRI फीस 45 लाख है, तो अगर वो नॉर्मल सीट बन जाएगी तो कॉलेज को तो खाली 15 लाख मिलेंगे ना। कॉलेज का हर साल का 30 लाख का नुकसान हो जाएगा उस एक सीट पर। तो कॉलेज नहीं चाहते ये हो, बट राउंड 3 में ऑटोमेटिक वो तो नॉर्मल सीट बन जाएगी, वो भी काउंसलिंग के दौरान। तो 2021 तक होता था राउंड 3 के बाद, 2022 में हो गया राउंड 3 के दौरान। तो मैं हमेशा जो मैं सामने बैठते हैं, मैं समझाता हूँ कि समझ लीजिए राउंड 3 की काउंसलिंग स्टार्ट हुई, अभी बची हुई है। कोई भी एग्जांपल लेते हैं कस्तूरबा मणिपाल का, कि आपके पास 22 सीटें नॉर्मल हैं, 8 सीटें NRI हैं। अब NRI सीटें अप्लाई ही 3 लोगों ने करा, तो कंप्यूटर को पता है कि 3 लोगों ने अप्लाई करा है, वो बाकी की 5 सीटें कन्वर्ट करके बना देगा नॉर्मल सीट में, और वो नॉर्मल कैटेगरी बच्चों को दे देगा। कॉलेज का तो नुकसान हो गया ना 5 बच्चों का। तो 2023 तक भी कॉलेजेस ने क्या करा कि उनको पता था कि उनके पास वो 8 लोग अगर पहले से मौजूद थे या 5 लोग मौजूद थे जो NRI फीस देने को तैयार थे, तो उन्होंने क्या करा कि चलो भाई सीट ब्लॉक करा लेंगे आपके लिए, और 2 लाख का नुकसान कर लेंगे जो कि डीम्ड की वो होती है काउंसलिंग फीस, और चौथे राउंड में आ जाना तुम्हें दे देंगे। लेकिन 2023 में चौथा राउंड भी ऑनलाइन हो गया, तो ये चीज़ भी ख़त्म हो गई। अब अगर थर्ड राउंड में कॉलेज के पास NRI स्टूडेंट अप्लाइड नहीं है, तो उनका नुकसान हो रहा है। ठीक, अब NRI की फीस तो महंगी होती है, और सबके पास NRI का पेपर होता भी नहीं है, क्योंकि अब तो NRI का पेपर भी होना ज़रूरी है ना। 2021 तक तो ये था कि लास्ट राउंड में सीट नॉर्मल बन गई, आपको सीट दे दी जाएगी। तो अब कॉलेज की हालत टाइट है, इसलिए कॉलेज भी इनक्रेज करते हैं। और फिर मैं समझाता हूँ बार बार, रूल्स अलग हैं। सारी MCC वाले जो 51 कॉलेज हैं, हरियाणा के प्राइवेट कॉलेज हैं, राजस्थान के सरकारी कॉलेज हैं, हिमाचल की सरकारी या प्राइवेट एकमात्र जो है, जहाँ NRI सीट है वहाँ सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ब्लड रिलेशन चाहिए, और कोई नहीं चलेगा। और MP और कर्नाटका स्टेट में चल जाता है गार्जियन NRI, कि जो भी बाहर रहता है वो आपका गार्जियन बन सकता है। तो फिर ये कॉलेज ही इनक्रेज करते हैं कि भाई आओ, और इससे पहले ही कन्वर्ट हो के हमारी सीट बिल्कुल ही हमें 15 लाख मिले, कम से कम आप भरो और कुछ तो ज़्यादा मिल जाए। और यहाँ पर आ जाता है स्कोप नेगोशिएशन का। जैसे मध्य प्रदेश के कई कॉलेजों में NRI फीस 45 लाख है, फिर आप पूछोगे सर जब 45 लाख देने वाला कोई है ही नहीं तो वो इतनी फीस को रखते भी क्यों है, लॉजिक है ना। उसका बड़ा प्यारा लॉजिक है, तो जस्ट टू गिव मध्य प्रदेश एग्जाम्पल, जो भी उनकी नॉर्मल फीस होगी उसका 3 गुना NRI फीस होगी, ये सरकार का रूल है। अब नॉर्मल फीस अगर अपनी 14-15 लाख रखते हैं तो NRI अपने 45 हो जाती है, 45 लाख कौन देगा, क्योंकि 45 × 4.5 तो 2 करोड़ खाली फीस हो जाएगी ना। तो फिर ये लोग नेगोशिएट करके आपको 1:20, 1:30, 1:40, 1:05, 1:10, जो भी कॉलेज की क्वालिटी है उसके हिसाब से आपको ऑफर कर देते हैं। मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल दूँ तो टॉप क्लास कॉलेज है RD गाल्डी, क्योंकि उसमें अपनी नॉर्मल फीस 9 लाख रखी हुई है, उसकी NRI फीस 27 लाख है, तो उसको नेगोशिएट नहीं करना पड़ता, वो 27 लाख × 4.5 में दे देता है। इस तरह कर्नाटका में आप देखेंगे तो कॉलेजेस ने 32 से लेकर 42 लाख तक फीस करी हुई है, किसी को मिल जाती है किसी को नहीं मिलती है। MCC की बात करें,
काफ़ी कॉलेज की फ़ीस 44-45 हज़ार डॉलर पर ईयर है, 4.5 साल के हिसाब से भी इट विल बिकम यू नो रफली स्पीकिंग 2 लाख डॉलर विच इज़ 1,70,000 इन टूडेज टर्म। तो उसमें फिर वो थोड़ा सा आपको 15-20 लाख का डिस्काउंट देने को तैयार है अगर आप उनको अप्रोच करके पहले बोल देते हैं कि भाई मैं एनआरए का पेपर तो है मेरे पास, देखो उसमें होना चाहिए फर्स्ट ब्लड में, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उसमें कोई नेगोशिएशन नहीं है, कि वो तो सरकारी बॉडी चेक करेगी पेपर्स को, बट आप कॉलेज में पहले बात कर सकते हो कि भाई मैं तभी भरूंगा चॉइस फिलिंग सर, मैं तभी ये सीट आपको उठाने को आ रहा हूँ जब आप मुझे इतनी फ़ीस का प्रॉमिस करो, ठीक है। तो वो काम बिल्कुल लीगल है, वो होता है, क्योंकि लोगों ने ये भी लगता है कि सर कॉलेज कैसे दे सकते हैं, तो हमें ये गलतफहमी होती है कि सर सारी फ़ीस तो कॉलेज को जानी है ना, ये जो MCC है या हरियाणा स्टेट बॉडी होगी या राजस्थान की बॉडी होगी या उत्तराखंड की बॉडी होगी, ये तो सिर्फ काउंसलिंग करवा रही है, दैट्स इट। उसके बाद हमेशा जो आपकी दी फीस है वो तो कॉलेज को जा रही है, उसमें कुछ रूल्स हैं कि जैसे भाई पहले साल की फ़ीस मध्य प्रदेश की सीट मिलेगी तो आप पहले गवर्नमेंट को देते हैं, फिर गवर्नमेंट कॉलेज को ट्रांसफ़र करती है, इसलिए हम उसमें नेगोशिएट नहीं कर सकते। या कर्नाटका स्टेट कॉलेज का हो गया कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो तो पूरी जानी है ना, क्योंकि आपको कर्नाटका का अगर रामया मिल गया तो उसकी फ़ीस अगर 42 लाख है तो आपको KEA में 42 लाख जमा कराने हैं, या आपको MP में कोई कॉलेज मिला जिसकी फ़ीस 42 लाख है तो आपको पहले साल 42 लाख जमा कराने MP बोर्ड में, वरना वो MP ही आपको रिजेक्ट कर देगा, जो सरकारी लोग हैं उनको इससे मतलब नहीं है कि आपने आगे से 1/25 का पैकेज फाइनल कर रखा है चिरायू से या अमलतास से या इंडेक्स से, और वो 40 आपसे लेके इंडेक्स को भेज देंगे, तो इंडेक्स के पास आपके 40 पहुंच गए, 1/20 से आपका पैकेज था, बाकी ऐसे आप उनसे पहली बात कर सकते हो कि कर चुके हो कि कितनी इंस्टॉलमेंट्स में और कैसे कैसे देना है, ठीक है। तो यही सब काम आप कर सकते हो, और यही सब काम में ही जो अच्छे कंसल्टेंट्स हैं वो आपकी हेल्प करते हैं, चाहे हम हों चाहे कोई और हो जिससे भी आप टच में हैं, ताकि आपके ये सारे काम स्मूथली हो जाए। और फिर खासकर जहाँ पर डॉलर से पैसे आने हैं बाहर, स्पेशली जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ MCC काउंसलिंग वाली हैं, उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि आपको वो रियायत दे देती हैं, और अपने रिस्क पे, क्योंकि सरकार तो कहती है पैसे बाहर से आने चाहिए, बट अपने रिस्क पे वो आपसे कहते हैं जी आप हमें रुपीज़ दीजिए, हमें कोई टेंशन नहीं है। तो वो कौन सी है, उसको आप कैसे अप्रोच कर सकते हो, वो भी आपको एक अच्छा कंसल्टेंट बता देगा। तो आई होप ये काफ़ी क्लियर कर देगा आपको, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बस कई लोगों के फ़ोन आए डर रहे थे सर वैसे फ़ीस तो 42 लाख है, 1/20 का पैकेज दे रहे हैं, कल को अगर पूरे पैसे मांग लिए तो। तो मैंने यही समझाया कि बेटा इतनी बड़ी जो सीट है ना, ये सिर्फ कंसल्टेंट के भरोसे नहीं लोगे आप, कंसल्टेंट तो एक ज़रिया है, और ये मैं फिर से आप सबको बता रहा हूँ, चाहे हमारे पास आइए चाहे किसी के पास आइए, ये जो फाइनल थिंग है कि हाँ जी सर मेरा इंडेक्स में 1/20 फाइनल कर दीजिए, वो तभी आप मान के चलिए हो रहा है जब आप कॉलेज के चेयरमैन वाइस चेयरमैन टाइप के बंदे से डायरेक्टली बात करके, डायरेक्टली उसके पेपर पे तरह से साइन करा के, डायरेक्टली उनके हाथ में टोकन अमाउंट दे रहे हैं। बात समझे मेरी बात, मतलब किसी कंसल्टेंट के ऑफिस में पैसे दे के आप ये मत सोचिए कि आपका कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो गया, स्पेशली इन इंडिया, ठीक है। और हमारे थ्रू जब भी कोई आता है तो वी ऑलवेज से कि एक बार बात होगी तो आपको हाथ पकड़ के हम ये साथ आपके कॉलेज के अंदर जाएंगे, और ये जो पक्की बात है ये प्रैक्टिकली कॉलेज के चेयरमैन के साथ होगी, और जो लोग पिछले 5 सालों में हमारे साथ काम करा चुके हैं उनको सारी बातें पता ही हैं, तो वहाँ कोई कन्फ्यूजन वहाँ कोई चीज़ है ही नहीं। ओके, बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, हमारा नंबर आप जानते ही हैं 9643-6230। पेड काउंसलिंग सर्विस चाहिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।